मुझे गायनोकोमेस्टिया 3B था, 3B ग्रेड था। आई थिंक मेरा अराउंड 5 to 6 kg मैंने लूज किया अपना वेट तो। बट उससे वजह से कोई चेस्ट में कोई वो फैट लूज नहीं हुआ, कोई वैसा का वैसे रहा उसमें रहा। इसका एक ही ऑप्शन है सर्जरी। आई थिंक मुझे 3.5 मंथ हो गए हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि देख सकते हो आप, मैं भी टी शर्ट में बैठा हूँ। हेलो, माय नेम इज विशेष, आई एम फ्रॉम JNK। सो मैंने कई सारी ऑनलाइन नेट पे वीडियो देखी थी इसकी। मुझे गायनोकोमेस्टिया 3B था, 3B ग्रेड था। और मैंने उस टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था सर्जरी के बारे में, लाइक दिल्ली में, वहाँ जम्मू में भी। बट कुछ कुछ का एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा नहीं था। कुछ ऐसे थे कि कॉस्ट बहुत महंगी थी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखता था, तो फिर डॉक्टर अमित का मुझे वीडियो आई तो मैंने देखा। तो फिर मैंने इनसे पूछा, कंसल्ट किया, तो उन्होंने, इनके प्राइस भी कम थे, तो मैं फिर यहाँ आया सर्जरी के लिए। तो आफ्टर सर्जरी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इनके साथ। और आज आई थिंक मुझे 3.5 मंथ हो गए हैं सर्जरी कराए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि देख सकते हो आप, मैं भी टी शर्ट में बैठा हूँ। पहले इसकी गायनेकोमास्टी की वजह से एक तो कॉन्फिडेंस बंदे का लो हो जाता था, मतलब फिर किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर सकता था। तो आई सजेस्ट, अगर किसी को भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अमी से कंसल्ट कर लो एक बार, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैंने थोड़ा पहले पहले मैंने बचपन से ये था कि पहले कि मैं एक्सरसाइज कर लूंगा कि उसे हो जाएगा सही। पर मैंने जब आई थिंक एक्सरसाइज जिम स्टार्ट करी, आई थिंक मेरा अराउंड 5 to 6 kg मैंने लूज किया अपना वेट तो। बट उससे वजह से कोई चेस्ट में कोई वो फैट लूज नहीं हुआ, कोई वैसा का वैसे रहा उससे। मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया कि अब कोई एक्सरसाइज करने अभी बर्थ नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने मेडिसिन, तो मुझे बहुत सारों ने रिकमेंड की थी कि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, किसी ने कुछ, बट मैंने ली नहीं थी। बट फिर भी एक्सरसाइज से मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन है, अगर आप करके देख सकते हैं, बट रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो आज आके इसका एक ही ऑप्शन है सर्जरी। हाँ, मेरा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे 3.5 मंथ्स हो गए हैं सर्जरी करवाए हुए। और टीम भी अच्छी है, मैंने कोऑर्डिनेशन अच्छा होता रहा था मेरा, क्योंकि मैं वहां से इतना आ नहीं सकता था, डिस्टेंस काफी था। और अब मैं आया हूँ यहाँ पे फॉलो अप के लिए, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। इसलिए आप देख ही सकते हो, मैं टी शर्ट में बैठा हूँ मैं अभी आपके सामने, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है मेरा। सेफ्टी अच्छी है, वही मैंने बोला ना कि अगर मुझे कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग में कभी मुझे पेन होती थी तो मैं सतपाल जी को कंटेक्ट कर लेता था, मतलब इजी वो बता देते थे क्या इशू है क्या नहीं। और सेफ्टी तो है ही है।